हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट जो है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। अगर आप इसकी यूनिट्स देखते हैं तो बहुत लेंदी यूनिट्स हैं, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर भी आपका बिल्कुल लेंदी रहने वाला है। इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, और कहीं ना कहीं देखिए, स्टूडेंट्स को हमेशा एक मुझे जो फीडबैक मिलता है कि इस सब्जेक्ट को करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट किया जाए, कि आपको किस तरीके से इसमें पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चंस कुछ हैं। अगर आप ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो दैट मीन्स आपने पूरे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि जो आपका 95% पेपर फ्रेम होगा वो सिर्फ यहीं से ही फ्रेम होगा। यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर प्रेजेंट किए गए। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं विद आंसर्स, तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम का भी लिंक गिवन है और हिंदी मीडियम का भी। इस सभी क्वेश्चंस का विद आंसर्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेड पीडीएफ्स हैं एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो देख लेते हैं यूनिट 1, जो सबसे ज़्यादा लेंदी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले इंग्लिश में हम करेंगे, इसके बाद हिंदी में करेंगे। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो बने रहिए वीडियो में, इंग्लिश का डिस्कशन करने के बाद हम हिंदी में बिल्कुल करेंगे। ठीक है, डिस्कस द नीड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली गिवन है, फिर आप नीड लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स लिखेंगे। तो इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। हो सकता है आपसे प्रिंसिपल्स ना पूछे, सिर्फ नीड और मीनिंग ही पूछ ले। हो सकता है आपसे नीड ना पूछे, प्रिंसिपल्स पूछ ले। तो थोड़ा बहुत देखिए ट्विस्ट क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तीन ही चीज़ें आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में करनी है, जो कि है कॉन्सेप्ट, नीड और प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड कॉजेस। देखिए विजुअल या हेयरिंग में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, कंबाइंड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। किसी एक पे क्वेश्चन आया और उसके बारे में टाइप्स और कॉजेज हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपको इन टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं स्किप करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, 4 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हैं, और फिर 6 और 6, टाइप 6 के और कॉजेस 6 मार्क्स के, और मीनिंग आपका रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको जो आंसर है अपना प्रेजेंट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, और साथ में देखिए प्रीवियस ईयर्स में 2-3 साल में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 2016 में पूछा गया था, तो इसके चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं कि इस क्वेश्चन को इस साल रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट लर्निंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। देखिए हो सकता है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी पूछे या सिर्फ मल्टीपल पूछे, तो आप जो इसका आंसर प्रिपेयर करें वो 10 नंबर के हिसाब से कर लें, क्योंकि 10 वाले को आप स्ट्रेच कर सकते हैं 16 मार्क्स में। ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है सिर्फ एक पर ही, या तो लर्निंग डिसेबिलिटीज पर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज पर ही सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करिए ब्रीफ में अबाउट दिस डिसेबिलिटी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इस पे भी जनरली क्वेश्चन लाइक इंपॉर्टेंट है ये, अगेन आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको साथ में उसके कॉजेस बता दें और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो आप यूज करेंगे एज अ टीचर फॉर मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, डिफाइन सलमनका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। इस पे भी क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है, समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप। अगर 16 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है तो 4 मार्क्स में भी आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन POA 1992, PWD एक्ट 1995। हो सकता है देखिए सिर्फ आपसे इतना पूछा जाए। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा जाए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगी, हो सकता है ये दोनों की जगह इसके पर्सपेक्टिव में पूछा जाए।
ठीक है, तो किसी के भी पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, चांसेस इसके ज्यादा है, इसके कम है, ठीक है। तो पीओए और पीडब्ल्यूडी के रेफरेंस में आपसे पूछा जा सकता है एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो इस पे आप ज्यादा फोकस रखें, लेकिन इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं, इसके रेफरेंस में भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 8 मार्क्स का यहाँ से और 8 मार्क्स का यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, एक्सप्लेन द सेलियंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन देखिए 16 मार्क्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दिस इज समथिंग, इस पूरे सब्जेक्ट का एक हम बोल सकते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको कभी स्किप किया ही नहीं जा सकता इस सब्जेक्ट से। अगर हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं और एनपीडी की 2006 की अगर हम बात ना करें, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट बिल्कुल अधूरा लगेगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा 16 मार्क्स में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ कंपोजिट रीजनल सेंटर्स जिनको सीआरसीज बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जिनको डीडीआरसीज बोला जाता है। तो यहाँ पे 8 और 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। हो सकता है ये 4 नंबर में कोई एक आपसे पूछ ले, बट अगर 16 नंबर में एक क्वेश्चन आता है जो जनरली पिछले 2-3 साल से देखने को मिलता रहा है, तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे ना, तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप, और 1 साल छोड़ के 1 साल ऐसे तरीके से पैटर्न इसका देखने को मिलता रहा है, तो इस साल भी इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सीआरसीज और डीडीआरसीज 8-8 मार्क्स के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन व्हाट आर द स्पेशल स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड स्टाइल्स। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, और डेफिनेटली देखिए यहाँ पे 16 नंबर अपने फिक्स कर लीजिए जिन क्वेश्चंस पे मैं हमेशा टिक करती हूँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एज इट इज बिल्कुल देखने को मिलेगा। देन डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एज फैसिलिटेटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या टीचर का रोल रहता है, इंक्लूसिव स्कूल का क्या रोल रहता है, तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस सम पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन क्लासरूम लर्निंग। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल, तो इसको भी दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप अगेन, ठीक है। देन डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। अब देखिए पीयर ट्यूटरिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है, जो स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का भी पेपर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो उनको मैं बता दूँ बडी सिस्टम। अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बडी सिस्टम यहाँ पे इंक्लूडेड, क्योंकि हम सिर्फ 16 मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आपको करने एनी 5 है, ठीक है। तो बडी सिस्टम को भी आप एक बार जरूर देख लें 4 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स, और इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एज इट इज, विच इज पीयर ट्यूटरिंग एज अ पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम, ठीक है, कि पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल होता है। अब देखिए टीचर के रोल के साथ साथ मैं बता देती हूँ किन टीचर्स को स्पेशली पूछ लिया जाता है। हो सकता है पेरेंट्स, टीचर्स और साथ में एंड में स्पीच थेरेपिस्ट आ जाए, ठीक है, या स्पेशल एडुकेटर आ जाए, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का भी पूछ लिया जाए जो स्कूल में बच्चों के जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट हो गया और स्पेशल एडुकेटर हो गया, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है। पर जो पॉइंट्स आप यहाँ स्पीच टीचर वाले में लिखेंगे उनसे ही मिला जुला कर पॉइंट्स आपको उन दोनों में भी डालने हैं। तो अगर आप पेरेंट्स टीचर का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं, तो स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एडुकेटर का आ जाता है, तो आप उसमें खुद से पॉइंट्स लिख पाएंगे, ठीक है। बेसिकली सब हेल्प ही प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ठीक है, तो उस रेफरेंस में आप बिल्कुल लिख पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस इन ब्रीफ द यूज ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट डिसेबल्ड। तो क्या क्या आईसीटी इक्विपमेंट्स हम यूज
करते हैं डिफरेंटली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता रहा है। ठीक है, सो दीज आर द 15 क्वेश्चन आप ये कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। एंड आपका जो पेपर है यहीं से सेट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90 to 95% क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब देख लेते हैं हम हिंदी मीडियम में। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ही इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विद आंसर्स पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेड पीडीएफ्स हैं, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, सो हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा का अर्थ यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, और भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और सिद्धांतों की चर्चा आपको करनी है। देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो 4 मार्क्स का आपका मीनिंग हमेशा हो जाता है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आवश्यकता और सिद्धांत आप 6-6 मार्क्स के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं कारणों का लिखें। फिर से सेम, ये 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स के प्रकार आपका हो गए और 6 नंबर के ही आपके कारण हो गए। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है, कार्यात्मक और तंत्रिका संबंधी विकारों यानी कि जिनको इंग्लिश में हम लोकोमोटर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, उनके अर्थ आपको लिखने हैं और प्रकार। तो देखिए 6 नंबर का आपका ये हो जाता है, और 6 नंबर का, सॉरी 6 नहीं 8 नंबर का आपका ये हो गया और 8 का ये हो गया। ठीक है, 8 में से अगर आप अर्थ और ये भी लिख रहे हैं, दो चीज़ें लिख रहे हैं दोनों के बारे में, तो 8 में से भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। 8 में से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन मान के चले 2 नंबर का यहाँ से और अपने 6 नंबर का प्रकार में से। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये अपना आंसर करना है। ठीक है, आगे करते हैं, प्रश्न 4 यहाँ पर है, सीखने की विकलांगता और बहुविकलांगता यानी कि लर्निंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है, के बारे में संक्षेप में आपको चर्चा करनी है। हो सकता है आपसे कोई एक पूछ ले, लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ ले या बहुविकलांगता पूछ ले, दोनों ना पूछे। देखिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पर या तो मिलकर क्वेश्चन फ्रेम होगा या किसी एक पर होगा, और यही तरीका क्वेश्चन फ्रेमिंग का रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, सलमंका स्टेटमेंट और एक्शन 1994 की रूपरेखा को आपको परिभाषित करना है, इस पर भी जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, विकलांग छात्रों की शिक्षा का वर्णन करें, पीओए एक्ट 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरसीईए, और ये अब देखिए या तो होगा आपको इन दो पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन साथ में, या इन दो पे देखने को मिलेगा। इसमें भी मैं आपको चांसेस बता देती हूँ, अगर आप और सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों, इन पे आपको क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है कि देखने को मिले। ठीक है, प्रश्न 7 यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय निशिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक कर लें, शिक्षा नीति है ये, 2006 की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, तो 16 नंबर तो बिल्कुल आप अपने यहाँ से फिक्स कर लें। ठीक है, फिर है, बाल शिक्षा के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्रियों CRCs, और देखिए यहाँ पे विकलांगता पुनर्वास केंद्र जो कि है DDRCs की भूमिका पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी देखिए पिछले 3 साल में 2 बार देखने को मिला है, तो डेफिनेटली इस साल भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला है, विकलांग बच्चों को उनके सीखने के अनुभव और सीखने की शैली के संदर्भ में विशेष आवश्यकता क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है, समावेशी शिक्षा के सूत्रधार के रूप में समावेशी विद्यालय की भूमिका पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पे समावेशी विद्यालय पे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी और तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, समावेशी शिक्षा के साथ ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बार आपको देखने को मिला है। ठीक है, फिर है, कक्षा में सीखने के लिए समावेशी शिक्षा की कुछ शैक्षणिक रणनीतियों पर आपको चर्चा करनी है। 12वां प्रश्न है, कक्षा में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जवाब देने के लिए शैक्षणिक रणनीतियों के रूप में सहकर्मी शिक्षक की अवधारणा का वर्णन आपको करना है। देखिए यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, स्पेशल एडुकेटर हो गया, टीचर हो गया, इन पे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही रहे हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे, स्कूल और घर के बीच अगर आपका संबंध विकसित करने में माता पिता शिक्षकों की भूमिका की व्याख्या करनी है। शिक्षकों की जगह हो सकता है सहकर्मी शिक्षक,
स्पेशल एडुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, इनका भी रोल यहाँ पर अलग से पूछा जा सकता है कि पेरेंट्स, टीचर्स और साथ में स्पीच थेरेपिस्ट का बताओ, ठीक है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन होगा वो पूछना, क्वेश्चन का मकसद यही होगा कि बताओ पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या योगदान उसमें होगा, क्या भूमिका होगी, ठीक है? तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप तीसरे वाले के बारे में थोड़े से पॉइंट्स खुद से ही लिख सकते हैं, इन दोनों से मिलते जुलते हैं। अगला है यहाँ पे 14वां प्रश्न, विभिन्न अक्षमताओं के लिए आईसीटी उपकरण और अन्य तकनीकी के उपयोग पर संक्षेप में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है? तो ये आपका 14वां प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15वां प्रश्न है। देखिए ये थोड़ा सा ऑर्डर में मिस्टेक था, तो ये वाला क्वेश्चन रह गया था, जो कि इंग्लिश में मैं आपको दिखा देती हूँ। इंग्लिश में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है बेसिकली, ठीक है? तो ये फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन है जो हमने स्किप कर दिया था, इसको भी आप ऐड करें। 15वां प्रश्न है, मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों और निर्देशनात्मक रणनीतियों का वर्णन आपको करना है, ठीक है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यूनिट 1 में से, तो इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन मैं अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो आप 4 मार्क्स लेके चलेंगे यहाँ से, फिर आप लेके चलेंगे 6 और 6, ठीक है? तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा, ठीक है? तो इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चंस इंग्लिश में किए हैं और 15 ही हमने किए हैं हिंदी में, ठीक है? सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, एंड साथ में इस वीडियो को शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और ये चैनल उन तक भी पहुँच सके। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करें। धन्यवाद।